हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू माय चैनल माइक्रम एंड उल आर्ट। सो मैं आपके लिए आज एक तोरण का डिज़ाइन लेके आया हूँ, डोर तोरण का। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत डोर तोरण। चलिए फ्रेंड्स, हम तोरण पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये वूल लिया है, 14 नंबर की क्रोशे की हुक ली है और सीजर। तो स्टार्टिंग में हमें 13 चेन्स बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। दो चेन एक्स्ट्रा बनानी है, 14 और 15। फिर बाद में स्टार्टिंग से थर्ड चेन में डालना है और एक डबल क्रोशेट करके लेना है। एक, दो, तीन, ये दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और ये 13। फिर तीन चेन लेके हमें वापस जाना है, एक, दो, तीन, और इसे टर्न करना है। फिर दो डबल क्रोशेट करने हैं, एक और ये दो। फिर दो चेन्स लेनी हैं, एक और ये दो। फिर नीचे के दो डबल क्रोशेट छोड़ देने हैं, एक, दो, और थर्ड में एक डबल क्रोशेट कर देना है, एक, उसके बाद एक, दो, और उसके बाद के डबल क्रोशेट में एक, तीन। फिर से दो चेन्स लेनी है, एक, दो, और नीचे के दो डबल क्रोशेट छोड़ के थर्ड में हमें एक डबल क्रोशेट करना है, एक, दो और तीन। हमें फिर से तीन चेन लेने हैं और टर्न करना है, एक, दो, तीन, और डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, उसके बाद के डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट, फिर दो चेन्स, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर दो चेन्स, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट और फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक और डबल क्रोशेट। इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करते जाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। फिर से तीन चेन्स लेनी है, एक, दो, तीन,
फिर ऊपर के डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, फिर उसके डबल ऊपर के डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, फिर से दो चैंस, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से डबल क्रोशेट के ऊपर एक और डबल क्रोशेट, फिर दो चैंस, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर तीन चेन के टर्न करना है और इसी तरह से हमें अपनी पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगा मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट कर ली है। मैंने टोटल 93 लाइंस कंप्लीट कर लिए हैं और अब इसकी एंडिंग कैसे करना है वो दिखाऊंगा। जिस तरह स्टार्टिंग की है उसी तरह ही एंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो पट्टी की डिज़ाइन ख़राब हो सकती है। और उतनी पट्टी मतलब तोरण पट्टी जितनी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। तो स्टार्टिंग में तीन चैंस लेना है, फिर टर्न करके फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, अगले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे जो दो चैंस थे वहाँ के दो चैंस स्पेस में दो डबल क्रोशेट लेना है, एक और ये दो। फिर बाद में तीन डबल क्रोशेट है, तीन डबल क्रोशेट के ऊपर हमें तीन डबल क्रोशेट लेना है, एक दो और ये तीन। फिर बाद में दो चैंस का स्पेस है वहाँ हमें फिर से दो डबल क्रोशेट लेने हैं, एक और ये दो। फिर से हमें तीन डबल क्रोशेट के ऊपर तीन डबल क्रोशेट लेने हैं, एक दो और ये तीन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसकी एंडिंग करनी है। एंडिंग अच्छी तरह से हो ऐसे ही, नहीं तो तोरण पट्टी की डिज़ाइन बिगड़ सकती है। तो देखिए इस तरह से मैंने 94 लाइन कंप्लीट करके ले लिए हैं, तो हमारी पट्टी इस तरह से दिखेगी। फिर हमें यहाँ से धागा काट के लेना है और धागे को अच्छी तरह से नॉट लगा के धागे को छुपा देना है। अच्छी तरह से खींचना है क्योंकि ये नायलन का थ्रेड है तो नॉट निकल सकती है। थोड़ा धागा छोड़ के काटना है और धागे को इस तरह से अच्छे से पीछे से छुपा देना है। धागे को छुका देने के बाद हमें यहाँ नीचे की डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए तो फ्रेंड्स नीचे की पट्टी के नीचे की डिज़ाइन, ये हमने पट्टी बना ली है तो इसके नीचे की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है। ये क्रीम कलर का ऊन लिया है, 14 नंबर की क्रोशे हुक ली है मेरी, ये 14 नंबर की क्रोशे हुक है और सीजर। फर्स्टली हमें
ग्रीन कलर का धागा लेना है। उससे हमें पहले मैजिक लूप बनाकर लेना है और मैजिक लूप में हमें टोटल 10 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। पहले 3 चेन्स का और बाकी के 9 डबल क्रोशेट। 1, 2, 3, ये पहले हो गया 3 चेन्स का और अभी 9 डबल क्रोशेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 और ये 10। हमें काउंट करके लेने हैं क्योंकि अगर हमारे डबल क्रोशेट कम हुए तो हमारी डिज़ाइन बिगड़ सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें ये 10 ये ऐसे धागा खींच के लेना है और हमें पहले 3 चेन्स के स्पेस में 1, 2, 3 स्लिप स्टिच लेके ये बंद कर देना है। फिर से 3 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3। फिर से उसी स्पेस में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। तो हमारे यहाँ 10 डबल क्रोशेट के ऊपर 20 डबल क्रोशेट बनेंगे, यानी एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें ये काउंट करके लेना है क्योंकि यहाँ कम हुए तो हमारी डिज़ाइन बिगड़ सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर से हमें 3, 1, 2, 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लेके ये बंद कर देना है। तो हमने ये 20 डबल क्रोशेट बना लिए हैं और ये 5 चेन्स लेनी है। फिर एक डबल क्रोशेट छोड़ के दूसरे में हमें यहाँ एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। बाद में फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से हमें एक डबल क्रोशेट छोड़ के यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। देखिए इस तरह से फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से एक छोड़ के दूसरे में ऐसे कंप्लीट करना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से एक छोड़ के दूसरे में हमें सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से एक छोड़ के दूसरे में से कंप्लीट कर देना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। यहाँ पर मेरे टोटल 10 हुए हैं, तो यहाँ पर 10वां, यहाँ जहाँ हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था वही हमें एक स्लिप स्टिच लेके ये बंद कर देना है। फिर बाद में एक स्लिप स्टिच लेके आगे के राउंड में जाना है। फिर यहाँ पर 30 चेंज करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर हमें यहाँ वापस आना है और यहाँ एक सिंगल क्रोशेट लेके ये कंप्लीट कर देना है। फिर से 30 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर से हमें यहाँ पर आना है और उसी जो हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया था उसी होल में हमें ये फिर से एक सिंगल क्रोशेट लेके बंद करना है। फिर से हमें 30 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर से हमें उसी होल में ये कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें 30 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर से हमें उसी होल में ये कंप्लीट कर देना है। टोटल ये हमारे एक होल में 4 हो गए, 1, 2, 3, 4। फिर हमें बाद में एक स्लिप स्टिच लेके अगले होल में जाना है, नेक्स्ट में। फिर से हमें यहाँ पर ऐसे ही मतलब जैसे हमने पहले में किया था, यहाँ से आए और यहाँ स्लिप स्टिच लिए, फिर 30 चेन्स लेके यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशेट मतलब कर करके यहाँ पर हमने जो ये 4 लाइंस कंप्लीट की है वहीं से ही यहाँ तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ तक हमें ये कंप्लीट करते आना है। तो मैं कंप्लीट सॉरी 7 तक ही हमें कंप्लीट करना है, 8 तक नहीं करना। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको फिर बाद में दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, इसके बाद का वीडियो का पार्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।